हेलो बेटा जी आई होप ऑल डूइंग वंडरफुल 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 आज बेटा जी ये जो स्पेसिफिक वीडियो है ना आई आईल बी ट्राइंग टू कवर जो जो चीजें छोटी से छोटी चीजें आप बच्चों को परेशान कर रही है फॉर जून 2022 ट्वेंटी टू अटेम्प्ट आई ट्राई एंड कवर इन दिस वीडियो ठीक है सबसे पहले तो आप सब बच्चों के लिए एग्जीक्यूटिव के बच्चे प्रोफेशनल के बच्चे शांति से वीडियो को एंड तक देखेगा यू विल मोस्टली गेट ऑल ऑफ योर क्वेरीज क्लियर मेजोरिटी बच्चे तो आप में से ऐसे हैं 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 जो एकदम जी जान से 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 अपने ध्येय की तरफ लगे हुए पढ़ाई कर रहे बेहतरीन तरीके से. आप में से कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि जिनके दिमाग में कुछ चीजें उनको परेशान कर रही है तो इस वीडियो को एग्जैक्ट पर्पस यही है कि वो जो जो चीजें जो छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शन बोल दो जो छोटी मोटी परेशानियां आप फेस करें जो छोटे मोटी आपके क्वेश्चंस होंगे दिमाग में कि सर अमेंडमेंट्स कैसे होंगे या पूरा सर रेगुलेशन रिवाइज हो गया वो कैसे कवर होगा उन सब चीजों को एक एक करके इस वीडियो में मैं कवर करूंगा तो शांत मन से बैठो एंड तक आपको अपने हर परेशानी का सोल्यूशन मिल जाएगा अगर है तो और जो बच्चे बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं आप करते रहो उसी तरीके से उसी जोश में आगे बढ़ते रहो जून 2022 ट्वेंटी टू इज गोइंग टू बी योर बेस्ट अटेम्प्ट ठीक है तो जब मस्ती से रहो यार और केयरफुली सुनिएगा सबसे पहले तो आपके लिए अनाउंसमेंट दैट एक चीज थी दैट देर वॉज अ रेगुलेशन स्वेट इक्विटी शेयर रेगुलेशन टू थाउजेंड एंड टू एंड देर वॉज अनदर रेगुलेशन से बी शेयर बेस्ड एम्प्लॉई बेनिफिट रेगुलेशन 2014 ठीक है तो जब मैं मेरे लास्ट बैच में पढ़ा रहा था तब भी मैंने क्लास में बताया था कि ये दोनों रेगुलेशन को मर्ज करके सभी एक नई रेगुलेशन ला रही है तो अब वो रेगुलेशन सभी ला चुकी है और वो जून 2022 के लिए एप्लीकेबल है तो आप समझिए कि आपके सिलेबस में जो स्वेट इक्विटी शेयर रेगुलेशन टू है और शेयर बेस इंप्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन टू है अब ये नहीं रहेंगी और इन दोनों को रिप्लेस करके एक नई रेगुलेशन आ जाएगी दैट विल बी शेयर बेस्ड इंप्लॉ बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021 ठीक है तो अब एग्जीक्यूटिव में सिक्योरिटीज लॉ के बच्चों के लिए ये दोनों रेगुलेशन की जगह ये एक रेगुलेशन आ चुकी है और प्रोफेशनल के बच्चों के लिए भी फंडिंग के सब्जेक्ट में ये दोनों रेगुलेशन की जगह ये एक रेगुलेशन आ चुकी है और इस रेगुलेशन की आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है ये रेगुलेशन का वीडियो कल रात को नौ बजे टुमारो 9 पी एम हमारे यूट्यूब चैनल पर आ जाएगा ठीक है कौन से तो कल रात को नौ बजे के अंदर पूरे रेगुलेशन को इनडेप कवर किया हुआ है तो आप बच्चों की ये एक परेशानी खत्म ठीक है अब बेटा जी एकदम शांति से बात करेंगे बहुत सारी चीजें जिस पर डिस्कशन करना है तो ये एक सबसे बड़ा अनाउंसमेंट कल रात को नौ बजे आपको पूरा का पूरा पूरा का पूरा रेगुलेशन इन डेप्थ मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर ठीक है ये एक चीज हुई बेटा जी दूसरी चीज अब बहुत सारे बच्चे ऐसे संघर्ष में भिड़े हुए हैं कि सर हमने अटेम्प्ट दिया था दिसंबर का वी वी वर रियली कॉन्फिडेंट हैव गिवन बेस्ट बट हम किसी कारण से क्लियर नहीं हो पाए ठीक है एंड नाउ वी आर प्लानिंग फॉर जून 2022 तो हम किस प्रकार से आगे बढ़े राइट right? तो अब इस पे बात करते हैं एंड स्पेसिफिकली यहां पर मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी दैट अप्लाई फॉर योर आंसर शीट्स कि जो बच्चे अगर किसी कारण से क्लियर नहीं हो पाए तो आई हेड मेड ए सिंपल रिक्वेस्ट अप्लाई फॉर योर आंसर शीट जिन बच्चों ने सेल्फ पढ़ा है वो हो गया या किसी भी कारण से कहीं से भी पढ़े हो और क्लियर नहीं हो पाए तो एक चीज आपको हंड्रेड परसेंट करनी चाहिए दैट इज टू आस्क फॉर योर आंसर शीट तो उन बच्चों ने किस प्रकार से आगे की प्लानिंग करनी है एक आइडिया दे रहा हूं मैं आपको आपने अपनी आंसर शीट को अच्छे से एनालाइज करना है दो चीजें ढूंढनी है आपको अपनी आंसर शीट के अंदर पहली चीज वो आंसर देखिए जिसमें आपको हाईएस्ट मार्क्स मिले दूसरी चीज वो आंसर ढूंढिए जिसमें आपको लोएस्ट मार्क्स मिले बहुत इजीली आइडेंटिफाइबल होगा आपके लिए कि आपने आंसर शीट देखी वो क्वेश्चन जिसमें आपको हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं और वो क्वेश्चन जिसमें आपको लोएस्ट मार्क्स मिले हैं नाउ यू योर सेल्फ कंपेयर कि आप किस प्रकार से अगर एक आंसर को प्रेजेंट करते हैं आप किस प्रकार से आंसर को लिखते हैं तो एग्जामिनर इज रेडी टू गिव यू मार्क्स और किस प्रकार से आप आंसर को लिखते हैं तो एग्जामिनर इज नॉट एट ऑल रेडी टू गिव यू मार्क्स दोनों आंसर्स आपने लिखे सही है देखिए ऐसा है कि अगर आपका कंटेंट वीक है तो हंड्रेड तो परसेंट बहुत मेहनत करनी है कोई टॉपिक्स अगर आपने लास्ट लास्टेंट में स्किप किया तो उसको भी कवर करके जाना है रिवीजन डबल मेहनत के साथ करनी है टेस्ट सीरीज देके जाना है ये पूरा एक प्लान होगा ये तो आपको करना ही है लेकिन अगर मान लीजिए कि सर हमने तो ये सब भी डिसंबर में किया था हम हंड्रेड परसेंट देकर आए थे फिर भी किसी कारण से क्लियर नहीं हो पाए तो ये समझो कि कहीं ना कहीं आपके, आपके आंसर प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी अगर कंटेंट में प्रॉब्लम नहीं है तो आंसर प्रेजेंटेशन सर्टनली इज द प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ विच अ पर्सन डज नॉट क्लियर तो आप देखिए कि जिस प्रकार से आपने आंसर लिखे हैं यू आर गेटिंग गुड मार्क्स एनश्योर करो कि आपका जो जून 2022 अटेम्प्ट का हर आंसर इसी प्रकार से लिखा जाएगा और एक भी आंसर इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा दैट इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक थिंग्स यू पीपल कैन डू एक चीज मैं हमेशा कहता हूं दिस इज समथिंग आई से टाइम एंड अगेन टू अचीव समथिंग एक्सट्रॉडिनरी यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग हैरी अगर आपको कुछ बहुत तूफान अचीव करना एकदम एक्सट्रॉडनरी अचीव करनी है तो आपको कुछ एक्स्ट्रॉडनरी करने की आवश्यकता नहीं है आपको हर छोटी चीज परफेक्टली करने की आवश्यकता है हर छोटी चीज परफेक्टली करने की आवश्यकता है तो कोशिश करिए कि हर वो छोटी चीज जो आप करते हैं हमारा नॉर्मल मास्टर प्लान क्या होता है एकदम सिंपल है देखो सबसे पहले सिलेबस कवरेज क्या आपने सिलेबस अच्छे से कवर करना होता है नेक्स्ट इज रिविजन एंड रिविजन के साथ में आपने इस प्रकार से रिविजन करना है कि एग्जाम के एक दिन पहले की प्लानिंग हो जानी चाहिए कि एग्जाम के एक दिन पहले एट टू नाइन आवर्स में आप सिलेबस को कैसे प्रिपेयर करने वाले हो यह रिविजन में प्लान हो जाना चाहिए जैसे कि अपने सब्जेक्ट्स में आप देखते हो कि हम लेफ्ट हैंड साइड पर समरी बनाते हैं फॉर कॉर्पोरेट फंडिंग फॉर कंपनी लॉ और फॉर सिक्योरिटीज लॉ तो बट एंश्योर करो के के एक दिन पहले आपके अपना प्रिपरेशन का नॉट जाऊंगा नो यू है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं अभी से अपने समरी नोट्स बनाइए अगर मान लीजिए आपने समरी नोट्स नहीं बना रखे एंड आपके पास टाइम भी नहीं है देन एंश्योर आप जहां से भी पढ़ रहे हैं जिन भी नोट्स से पढ़ रहे हैं एक और चीज रुको मैं नोट्स के बारे में थोड़ी देर में बताता हूँ बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे तो एक एक चीज में पेन पॉइंट करके कर लिख रहा हूं बहुत केयरफुली एक एक बात सुनिए ठीक है नोट्स को के बाद में डिस्कस करता हूं अभी आप मान लीजिए अपने नोट्स नहीं बना सकते अब समय नहीं है तो आप जिन भी नोट्स से पढ़ रहे हैं मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं एक हाइलाइटर यूज करो और उसके जो की को हाईलाइट करते हुए चलिए कि एग्जाम के एक दिन पहले अगर आप पूरा नहीं पढ़ पाएंगे तो एटलीस्ट ये हाईलाइटेड वर्ड्स आप पढ़ के जाएंगे कोई भी डिफिकल्ट सा पैराग्राफ आप पढ़ रहे हैं तो वहां पर अपनी लैंग्वेज में उसकी एक समरी लिख लो ताकि एग्जाम के एक दिन पहले आपको पूरा पूरा डिफिकल्ट पैराग्राफ पढ़ना नहीं पड़ेगा अपनी रिविजन करिएवन टू एट आवर्स यू आर एबल टू एंटायर सब्जेक्ट क्लियर है तो सिलेबस रिविजन प्लान अच्छे से होना चाहिए इसके बाद में क्या चाहिए आपको देना होगा टेस्ट टेस, 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 और वन हंड्रेड परसेंट टेस्ट देना होगा ठीक है जो भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं आपको जब आपका लास्ट लेक्चर मिलेगा उस लास्ट लेक्चर के अंदर मैं डिटेल्स देता हूँ कि किस प्रकार से आपने रजिस्टर करना है हमारे टेस्ट 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 सीरीज सीरीज के लिए एंड देन यू कैन राइट द पोर्शन वाइज आपकी टेस्ट होगी और एंड में एक हंड्रेड मार्क्स का पूरा टेस्ट होगा मैं आपको कह रहा हूं मैंडेटरी रूप से अनिवार्य रूप से अगर आप मानते हैं तो मैं आपको कसम दे रहा हूं कि टेस्ट सीरीज देकर ही जाइएगा टेस्ट सीरीज की एक सबसे अच्छी बात यह है आप मान लीजिए आप एक्चुअली सीधे एक फाइनल फाइट के लिए जा रहे हैं वहां पर आप अगर गिर जाते हैं तो वापस छह महीने बाद मौका मिलने वाला है वहीं अगर आपने अभी एक बार टेस्ट सीरीज दे दी तो आप जो गलती प्रोबेबली फाइनल एग्जाम में करते वो गलती आप अभी करेंगे और सीख जाएंगे आपका पेपर कंप्लीट नहीं होता है आप पेपर में फंबल कर देते हैं आप केस स्टडी क्वेश्चन में डिफिकल्टी जाती है आपको कोई भी रीजन है कोई भी रीजन है बट ये प्रॉब्लम आपको अभी समझ में आएगी रेदर देन अंडरस्टैंडिंग इट इन द एग्जामिनेशन आफ्टर फ्लंकिंग तो एंश्योर करो कि टेस्ट सीरीज तो कंपल्सरी देनी है मतलब देनी है सिलेबस so अच्छे से कवर करो रिविजन प्लान करके करो टेस्ट सीरीज करो अगर संभव है आपके लिए तो स्कैनर की एक रीडिंग तो करने का नेगेटिव बताता हूं फॉर एक्साम्पल सब्जेक्ट्स फॉर सी एस प्रोफेशनल एमसीएस और आईबीसी उसमें तो स्कैनर का कोई सेंस नहीं बनता फंडिंग के अंदर प्रॉब्लम यह है कि इतने कम अटैंप्ट कि स्कैनर बहुत ज्यादा नहीं है फिर उन्होंने

ठीक है स्कैनर से डरना नहीं है क्यों मैं आपको बताया जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स में ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चन दे रखे हैं जब सिलेबस का पार्ट भी नहीं है बट एक बार रीड करने में कोई नुकसान होने वाला नहीं है तो स्कैनर समय परमिट करता है तो स्कैनर रीड करो इफ टाइम परमिट इसके बाद अगर आप एग्जाम देने जाते हो देर इज नो वे देर इज नो वे दैट यू कैन फ्लंक इन द एग्जामिनेशन बस एग्जाम के टाइम पे कुछ बारीक चीजों का ध्यान रखना है वो मैं एग्जाम के पहले बता दूंगा आपको ठीक है अभी मोड के अंदर इन चीजों का ध्यान रखो एंड स्काई इज द लिमिट आई एम टेलिंग यू यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि आप एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स ला सकते हैं कितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं बस हर छोटी चीज को परफेक्टली करना है कुछ एक्सट्रॉडरी कुछ तूफानी है, है दिन के पचास पचास क्वेश्चन लिखने हैं दिन के पंद्रह पंद्रह घंटे पढ़ना है ऐसा कुछ करना ही नहीं है एक्स्ट्रॉडिनरी करने की आवश्यकता है ही नहीं हर छोटी चीज को परफेक्टली करते जाओ एंड यू विल बी एबल टू रीच दैट एक्सट्रॉडनी बिकॉज जो लोग ऐसे करते हैं ना बहुत ज्यादा कि पंद्रह घंटे पढ़ना है वो उसको कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते जनरली आप कंसिस्टेंट रहिए एंड हंड्रेड एंड टेन परसेंट यूल टू एस टी एग्जामिनेशन क्लियर है यहां पे हम लोग चलो अब अच्छे समझना नोट्स को लेकर एक बात मैं आपको इतनी सी बता रहा था नेवर चेंज योर नोट्स ठीक है अगर आप मान लीजिए एक सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट है आपने थ्रू आउट योर सेल्फ स्टडी का टाइम पीरियड किसी बुक से पढ़ा है अभी आपके हाथ में मेरी बुक आ जाती है डोंट यूज इट डोंट यूज इट लास्ट मोमेंट पे कभी भी नोट्स चेंज नहीं करने चाहिए हाँ आप मेरे अमेंडमेंट लेक्चर देख सकते हो अमेंडमेंट नोट्स यूज कर सकते हो आप मेरे ये जो नई रेगुलेशन आई उसके नोट्स यूज कर सकते हो लेकिन आपने पूरी बुक चेंज नहीं करनी चाहिए एक्सेप्ट एमसीएस एंड आईबीसी एमसीएस और आईबीसी लिए अगर आप चाहते हैं तो यू कैन कंफर्टेबली वॉट यू कैन डू यू कैन यूज दी बुक एमसीएस और आईबीसी लिए अगर आप चाहें तो आप बुक को यूज कर सकते हैं नहीं भी है तो बिकॉज दैट्स एन ओपन बुक एग्जामिनेशन वहां पे बुक की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है अदरवाइज नोट्स चेंज कभी नहीं करना चाहिए नोट्स चेंज नहीं करना चाहिए जिन नोट्स पे हंड्रेड परसेंट भरोसा है उन्हीं से शुरुआत में पढ़नी चाहिए और जिससे भी पढ़े हो भी, अभी अभी चेंज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट जो कि से या फिर कहीं से भी पढ़े आफ्टर दे टू स्विच द नोट्स नेवर एवर थिंक ऑफ स्विचिंग द नोट्स बिफोर द एग्जामिनेशन डोंट डू दैट डोंट डू दैट ठीक है जिनसे पढ़े उसी उसीपे कॉन्फिडेंट रहो और अच्छे से पढ़ो ठीक है अब बेटा जी ये सब बात होने के बाद एक बहुत ही खास बात करनी है सर सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट वाइज हमें एक थोड़ा सा एक आइडिया दो ना कि सब्जेक्ट वाइज हमें जून के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए थोड़ा सब्जेक्ट वाइज अभी मैंने जो बात की दिस वाज ऑल जनरल ठीक है तो सब्जेक्ट वाइज आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है केयरफुली समझना और यहां पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया कवर करने वाला हूं आप सब बच्चों के दिलो दिमाग में एक सवाल है कि सर अमेंडमेंट्स का क्या ठीक है तो एकदम शांत रहो यू डोंट हैव टू वरी एवरी पॉसिबल अमेंडमेंट विल बी कवर्ड बाई मी यू टू स्टे रिलैक्स अबाउट एकदम मस्ती में रहो लोड लेने का नहीं ना रिविजन का टेंशन लो ना अमेंडमेंट्स का टेंशन लो सब चीजों का ध्यान रखा जाएगा बट आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है आपका सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड अमेंडमेंट्स प्रॉपर्ली कमेंडमेंट सही समय पर आना काफी जरूरी है ठीक है अच्छे से समझना अब मैं थोड़ा सब्जेक्ट वाइज बात कर रहा हूँ केयरफुली अच्छे से समझो बात को सब्जेक्ट वाइज जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं पहले बात कर लेता हूं कंपनी लॉ सिक्योरिटीज लॉ की ठीक है इसके बाद में बात करेंगे फंडिंग एमसीएस और आईबीसी की और तूफान जो बच्चे परेशान हो रहे हैं स्पेसिफिकली आईबीसी और एमसीएस के लिए उसके बारे में भी बात करेंगे बिकॉज ओपन बुक सब्जेक्ट इज लाइक अ डबल डबल स्वॉर्ड स्वॉर्ड समझते हैं जितना आपको ये मस्ती में आसान लगता है उतना ही आपको एग्जाम में परेशान कर सकता है ठीक है तो केयरफुली खेलना है इस सब्जेक्ट के साथ में उस बारे में बात करेंगे पहले कंपनी लॉ और सिक्योरिटी लॉ की बात कर लेते हैं कंपनी लॉ के अंदर बेटा जी अमेंडमेंट्स मस्ती में रहो 110 परसेंट जो जो अमेंडमेंट्स आपके जून 2022 के लिए एप्लीकेबल है वो, वो सप्लीमेंट का साइज है मैक्सिमम दो सेशन के अंदर आपके सारे अमेंडमेंट्स कवर हो जाएंगे तो स्टे रिलैक्स कब आएगा सर तो ये आपके अमेंडमेंट्स आ जाएंगे अप्रैल मिड में ठीक है मैं सब चीजें जो आने वाली है

जो भी मेजर सेक्शन सीरीज वो सब कवर की थी, इस बार I am planning to bring double जोश से एक सेक्शन सीरीज़, बिकॉज अगर आपने मतलब जब वो भी लेकर सीरीज़ तो students के उसके कारण मार्क्स काफी इंप्रूव हुए सेम so, टाइप की सीरीज आएगी इस बार डबल जोश के साइड आएगी बहुत सारी चीजें इंक्लूड करते हुए आएगी, और दीवाने हो जाओगे आप ऐसी आपसे क्या अपेक्षा है उसके पहले कि आप अच्छे से पढ़ाई करके रहे तो अप्रैल मिड में ही

सिक्योरिटीज लॉ के अंदर देखो बेटा जी यहां पे अमेंडमेंट्स काफी खास थे अच्छे से सुनना सिक्योरिटीज लॉ के अमेंडमेंट्स को मैं तीन पार्ट में डिवाइड करता हूं एक पार्ट तो अमेंडमेंट का हो गया ये जो नई रेगुलेशन आई है सेबी शेयर बेस्ड इंप्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन सेबी शेयर बेस्ड इंप्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन है ना ये जैसे कि मैंने आपको बताया कल शाम को कल रात को नौ बजे इसका पूरा रिवाइज रेगुलेशन का एक सेवन आवर का लेक्चर आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा तो बी सॉर्टेड ये रेगुलेशन तो ऑलरेडी कवर हो गई इसके बाद में एक और नई रेगुलेशन आई है से बी डीलिस्टिंग रेगुलेशन टू इन नेक्स्ट टेन डेज इन नेक्स्ट टेन डेज मेरी तरफ से डिटेल्ड से भी डिलिस्टिंग ट्वेंटी ट्वेंटी -वन का भी वीडियो आपके लिए आ जाएगा तो ये एक और चिंता समाप्त हुई इसके बाद में बचते हैं माइनर अमेंडमेंट्स अब माइनर अमेंडमेंट्स कैसे हैं एल के अंदर कुछ एक दो लिमिट चेंज हो गई है इस प्रकार के माइनर माइनर अमेंडमेंट्स हैं तो एक बार ये दो मेजर रेगुलेशन हो जाएगी उसके बाद ही नेक्स्ट फिफ्टीन डेज के अंदर ही आप बच्चों के रिमेनिंग अमेंडमेंट्स भी कवर हो जाएंगे तो फॉर सिक्योरिटीज लॉ सिक्योरिटीज लॉ में सिक्योरिटीजमेंट ज्यादा है

ऑलरेडी आईसीडीआर और एलओडीआर का रिविजनोडेट है टेकओवर कोड का रिविजन वाइज रिविजन आते रहेंगे इसके अंदर क्यों नहीं दे रहा हूं एवरी वीक एक एक चैप्टर का रिविजन आपके लिए आता रहेगा तो आप सेल्फ स्टडी धुआधार तरीके से करो और इसी प्रकार से आपको मेरी तरफ से चैप्टर वाइज डिटेल रिविजन मिलते रहेंगे ठीक है तो यहाँ पे आपके सिक्योरिटी चिंता खत्म हुई एक और चीज आएगी मेरी तरफ से जी हां अ नाइस न्यूमेरिकल सेशन ठीक है बेटा जी न्यूमेरिकल सेशन मेरी तरफ से आएगा समवेयर अराउंड मे फर्स्ट वीक ये वीडियो सेव करके रखना आपके पास सो so दैट आप जब भी डिफिकल्टी में आते हो ना कि कौन सी चीज कब करनी है तो यू विल गेट अ टाइमलाइन फॉर इट अगर कोई व्यक्ति को लगता है कि मेरा सिक्योरिटीज सर पूरा प्रिपेयर हो चुका है और मैं न्यूमेरिकल सेशन के लिए इतना रुकना नहीं चाहता तो न्यूमेरिकल सेशन इज समथिंग जिसमें अमेंडमेंट नहीं आ सकता है ये बहुत न्यूमेरिकल पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन इस प्रकार के न्यूमेरिकल होते हैं तो यूट्यूब पे ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है आप इंस्पायर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर जाओ प्लेलिस्ट में जाओ आपको सिक्योरिटीज और न्यूमरिकल्स की प्ले लिस्ट मिलेगी उसमें मैंने खूब डिटेल में सारे न्यूमेरिकल डिस्कस किए तो किसी व्यक्ति का समय कम है तो वो देख सकता है Uh, किसी व्यक्ति के पास समय है एम सॉरी व्यक्ति का समय बहुत है वो ऑलरेडी पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है तो वो वीडियो देख सकता है किसी व्यक्ति को लगता है और मे फर्स्ट वीक में, मेरे साथ में कर ये हो एक और लेकर आई थिंक बहुत तक चीजें शांत हो रही है जो बहुत सारी चीजें थी वो सब चीजें एक एक करके यहाँ पे कवर हो जाएगी तो एकदम लाइटली रहो ठीक है बेटा जी अब ये बात होगी कंपनी लॉ सिक्योरिटी एक चीज मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ आई एम टेलिंग यू Section series of company law is going to be the best possible series you've ever seen.

मैं आपको कह रहा हूँ कि इसमें इतना हम कवर करेंगे ऑलमोस्ट आई ट्राई एंड कवर पहले ही मैंने जब सेक्शन सीरीज दी थी मेजोरिटी सेक्शंस कवर किए थे यहाँ पे हम थिंकिंग इन थिंकिंग और दीवानों की तरह हम लोग सेक्शंस कवर करेंगे तो जितने भी आपके मार्क्स आने वाले थे आपके आठ से दस तो और बढ़ी जाएंगे इफ यू यू टू टू स्कोर स्कोर तो ध्यान रखो और अच्छे से अच्छे से अच्छे से जी जान तरीके से सिलेबस कंप्लीशन फोकस करो सो दैट यू कैन एक्चुअली एंजॉय दिस यू कैन टेक द फ्रूट्स ऑफ दिस चलो मैं बहुत भावुक जाता हूँ संभालता हूँ अपने आप को आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं प्रोफेशनल के सब्जेक्ट्स के बारे में सुना अच्छे से सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट आता है फंडिंग का फंडिंग उसके बाद बात करेंगे एमसीएस की और लास्ट में बात करेंगे हमारे मासूम से पिद्धू से आईबीसी की फंडिंग फंडिंग के अंदर अमेंडमेंट्स के नाम पे कैसा होगा सबसे पहले तो वही कि सेबी का स्वेट इक्विटी रेगुलेशन एज वेल एस शेयर बेस्ट इंप्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन मर्ज हो गया और नया रेगुलेशन आ चुका है सेबी

कि सर हमें एलओडीआर में क्या क्या पढ़ना है इसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है आप मस्ती से अभी आपके पास जो कंटेंट है उसको हंड्रेड परसेंट पढ़ लो मैं के अंदर प्रॉपर एक वीडियो लेकर आऊंगा अपलोड किया है उसके अलावा जो टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स को हम धुन के रिविजन कर लेंगे तो एलओडीआर के आपकी पूरे एलओडीआर की जिम्मेदारी मेरी है यू नोट टू वरी अबाउट एलओडीआर ठीक है एलओडीआर एग्जाम में बहुत तूफान मार्क्स के लिए आता है सीएस प्रोफेशनल पार्ट बी के अंदर फंडिंग में ध्यान रखना पार्ट बी के अंदर सिर्फ चार चैप्टर है और वो एग्जाम में आपके 40 मार्क्स के लिए आता है तो उसमें एलओडीआर नहीं नहीं करके भी 15 20 मार्क्स का सकता है तो एलओडीआर को हम तूफान तरीके से पढ़ेंगे एकदम मस्ती में आपसे बस मेरी क्या रिक्वेस्ट है एलओडीआर का जो एक रिवीजन वीडियो मैंने भी अपलोड किया है वो आप देख के रखो उसके अलावा जो भी चीजें आपके ऊपर नहीं है वो सब भी 100 100% एक और रिवीजन के अंदर कवर कराऊंगा एलोडिया की टेंशन खत्म हो गई ये जो नया रेगुलेशन आता है उसकी टेंशन खत्म हो गई और इसके है ऐसे कुछ चैप्टन लाऊंगा जून ट्वेंटी ट्वेंटी कुछ नए आएंगे तो मजा आएगा आपको ठीक है तो ये हो गई फंडिंग की बात इसके अलावा फंडिंग में एक और चीज करेंगे फंडिंग का एक न्यूमेरिकल सेशन करेंगे पर ये करेंगे तकरीबन मे फर्स्ट वीक में और ये वाला सेशन मेरे लिए संभव रहा तो मैं ये लाइव सेशन करूंगा फंडिंग न्यूमेरिकल्स का बड़ा ही मजा आएगा इसके अंदर सो दैट कैसा है कि बहुत समय से कुछ स्टूडेंट्स चाह रहे थे कि एक लाइव सेशन भी हो जाए तो आप अपने सिलेबस को कवर करके रखो तूफान तरीके से फंडिंग के सारे न्यूमेरिकल्स की जिम्मेदारी मेरी ठीक है तो फंडिंग का एक न्यूमेरिकल सेशन करेंगे कोशिश करेंगे कि एक ही लेंगे चार पांच घंटे का न्यूमेरिकल सेशन और उसमें हर पॉसिबल न्यूमेरिकल जो आपके मॉड्यूल के अंदर दे रखा है मॉड्यूल की एक लाइन पर भी कोई न्यूमेरिकल बन सकता है वो सारे न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे

ठीक है बेटा जी स्पेशली फंडिंग के लिए बात करेंको एट्टी सेवन एट्टी एट मार्क्स इन फंडिंग तो यू यू हैव टू टू ट्राई एंड स्कोर बेटर अंडरस्टैंड दिस थिंग के प्रोफेशनल्स के अंदर जो सबसे बड़ी परेशानी आती दैट इज ऑफ एग्रीगेट तो अगर एग्रीगेट फोड़ना है तो कुछ सब्जेक्ट्स को अपना इतना फेवरेट बनाओ कुछ सब्जेक्ट्स को इतना तूफान बनाओ कि उसमें आप 70, 75 प्लस तो लेकर ही आए सो so दैट आपको एग्रीगेट की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है तो फंडिंग इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट जहां पे आप अरे बच्चे एटी सेवन एटीट लाइन आप 70 75 तो अगर आप डिस प्रिपरेशन करके जाते हैं एक एक चीज क्लास की करके जाते हैं 70 75 तो आप स्कोर कर ही सकते एग्जाम में इन द वे आई हैव एक्सप्लेन टू राइट उसी प्रकार से एग्जाम में लिख कर तो फंडिंग तूफान तरीके से प्रिपेयर करो अच्छे से जाओ हर एक स्टूडेंट जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है टेस्ट सीरीज दो अच्छे से ईमानदारी से टेस्ट सीरीज दो और एग्जाम में प्रिपेयर कर जाओ यू कैन स्कोर सुपर वंडरफुल मार्क्स इन फंडिंग फिर हम जस्ट लाइक चेरी ऑन द केक जो एंड में लगाते, लगाते ना उस प्रकार से हम लोग न्यूमेरिकल सेशन करेंगे ना आप दीवाने हो जाओगे ठीक है दैट इज ऑल अबाउट फंडिंग अब बात करता हो एमसीएस की एमसीएस के अंदर जनरली स्टूडेंट्स आर ऑलवेज ट्रबल कि सर या कभी भी एडिशनल केस ले आती है चिंता करने की बात नहीं है सप्लीमेंट को देख के बिल्कुल भी मत डरना मुश्किल से कुछ दस से बारह एडिशनल केसेस आपके और वो पूरे के पूरे एडिशनल केसेस की एज ऑलवेज जिम्मेदारी मेरी है एडिशनल केसेस ये सारे एडिशनल केसेस आप तक पहुंच जाएंगे अप्रैल ट्वेंटी तक ट्वेंटी अप्रैल के पहले मैं जो भी डेडलाइंस दे रहा हूं वो दे कि तब तक ये वीडियोस आप तक जाएंगे। अप्रैल ट्वेंटी के पहले मेरी तरफ से सारे एडिशनल केसेस के जो वीडियोस हैं वो एक ही वीडियो बनेगा उसमें सारे केसेस एक्सप्लेन होंगे और वो आप तक जाएगा। तो आपको एमसीएस में अमेंडमेंट की तो चिंता नहीं है अब दूसरी चिंता आती है कि सर पर हमें सब केसेस एक बार रिवाइज करने की इच्छा है तो बेटा जी एमसीएस का मैराथन जनरली मैं चैप्टर वाइज रिवेशन में ज्यादा बिलीव करता हूँ ज्यादा इनडेप्थ कवरेज हो सकता है बट एम सी एस एक ऐसी चीज है, है जिसमें मैं मानता हूँ एक ही वीडियो हो पाँच से सात घंटे का हो चार घंटे का हो जिसमें सारे केसेस कवर्ड हो तो स्टूडेंट्स को बार बार देख के केसेस को दिमाग में बैठा सकता है तो एम सी एस के लिए मेरी तरफ से मैराथन वीडियो आपको मिलेगा जिसके अंदर ऑल द केसेज एप्लीकेबल फॉर जून ट्वेंटी ट्वेंटी टू विल बी कवर्ड जून 2022 के लिए जितने केसेस एप्लीकेबल हैं, उसका एक तूफान उसका एक तूफान ठीक है मॉड्यूल देखो तो लास्ट चैप्टर है प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन वाला उसको लेके मैंने 21 के लिए भी एक समरी वीडियो बनाया था लेकिन उसी को लेके एक डिटेल वीडियो में लेकर आऊंगा डिटेल्ड

तो उनके लिए एक एडिशनल सप्लीमेंट क्या आप ये सप्लीमेंट अपनी बुक के साथ लगा लो एंड आपकी बुक एप्लीकेबल हो जाएगी फॉर जून 2022 ट्वेंटी ट्वेंटी टू कि नहीं मुझे तो फ्रेश किताबें चाहिए नई किताबें चाहिए तो उन बच्चों के लिए नई किताबें जिसका मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में कि आप मस्सी से उनका प्रिंट आउट ले लीजिए और वो डायरेक्टली पूरी की पूरी अपडेटेड होंगी फॉर जून ट्वेंटी बट उसके लिए मैं सेपरेट अनाउंसमेंट लेकर आऊंगा ठीक है कि जब वो रेडी हो जाएंगी तब उसके लिए अनाउंसमेंट लेकर आऊंगा ठीक है तो आईबीसी में आपको उस लास्ट चैप्टर के लिए एक डिटेल वीडियो मिलेगा मेरी तरफ से जैसे कि उस चैप्टर पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कैसे अटेंड करना है सेकेंड वन हंड्रेड परसेंट आईबीसी का जो भी अमेंडमेंट है।, बारीक -बारीक है उस पूरे के ऊपर डिस्कशन होगा यह आपका मैं करवा दूंगा वही अप्रैल एंड के पहले ये दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी अप्रैल एंड के पहले तो उसके पहले आप अपनी प्रिपरेशन एकदम धुआंधार तरीके से करके रखिए अपनी तरफ से आप सब चीजें कंप्लीट करके रखिए सेल्फ स्टडी करके रखिए जहां जो चेंजेस होंगे वो मैं आपके मस्ती से आपको बता दूंगा तो तब आपको चेंजेस ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में भी आएंगे ठीक है इसके अलावा आईबीसी बी सी में आप लिख नहीं रहा हूं लेकिन आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया है A Summary, A ओपन बुक एग्जामिनेशन ऑफ आईबीसी वो 100 परसेंट देखना है उसमें मैंने आईबीसी के मॉड्यूल में जितने केसेस है ना उन सबका एक ही मैराथन बनाया है वो यूट्यूब पे है वो 100 परसेंट देख के जाना है दैट इज मतलब वो एकदम गेम चेंजर की तरह काम करेगा एग्जाम के अंदर तो वो ध्यान रखना है वो हंड्रेड देख के जाना है अच्छा अब एक और मुझे बात करनी है कुछ बच्चे ऐसे हैं, जो कि बड़े चिंतित रहते हैं दैट दे आरबल टू स्कोर गुड मार्क्स एन एम सी एस एन एंड आई बी एन ओपन बुक सब्जेक्ट जैसे कि मैंने कहा एक डबल की तरह काम करता है तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका कहना है कि सर फंडिंग में तो हम अच्छा स्कोर ले आते हैं कि फंडिंग में तो एग्जामेशन भी आ जाता है बट एम और आई में बहुत अच्छा स्कोर नहीं आता यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज एन ओपन बुक एग्जामिनेशन तो ओपन बुक एग्जामिनेशन का एक प्रॉब्लम क्या है इनहेरेंट प्रॉब्लम है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन के अंदर एग्जामिनर ने पेपर बना दिया जो चेकर आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो आपसे क्या अपेक्षा रखता है ये क्लियर नहीं है तो एमसीएस और आईबीसी में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि चेकर आपसे क्या अपेक्षा रखता है ये क्लियर ही नहीं है so then at times for a paper you can get a 65 and for the same kind of paper written you can get a 45 as well depending on the checker तो so, हमें पेपर इस तरह से लिखना होता है कि हम सुपर सेफ होकर जाएं। किन किन चीजों का ध्यान रखना है एमसीएस और आईबीसी में स्कोर करने के लिए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज 100 मार्क्स का पेपर लिखकर आना है मतलब लिखकर आना है आप बेवकूफ हैं अगर आप एमसीएस और आईबीसी में 100 मार्क्स का पेपर लिख के नहीं आते तो आप बेवकूफ एम टेलिंग यू

और बी में हमारे स्टूडेंट्स ने सेवेंटी सेवेंटी अटैम्प्ट किया हंड्रेड मार्क्स कि का अटैंप्ट करके ये हो दूसरी चीज इसको आपको ध्यान रखना है कि आप कभी भी कॉपी पेस्ट ना करें इसके अंदर कॉपी पेस्ट करने के दो नुकसान है एक तो अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो एग्जामिनर को दिखता है कि इसने क्या किया मॉड्यूल से सीधा कॉपी पेस्ट कर लिया है तो कभी भी कॉपी पेस्ट ना करें कभी भी नेवर एवर नेवर एवर एवर कॉपी पेस्ट करें कभी कॉपी पेस्ट करना ही नहीं है आपको ध्यान रखना है दूसरा कॉपी पेस्ट का डिमेरिट होता है कि कॉपी पेस्ट जब आप करते रहें बेटा जी तो आप देखते हैं और आप लिखते हैं आप देखते हैं और आप देख लिखते हैं आपका राइटिंग बहुत स्लो हो जाता है आपको समझ भी नहीं आता है और पेपर कंप्लीट नहीं होता है वहीं अगर आपने एक बार उसको रीड कर लिया और खुद की लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो आप उसको फास्ट 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 लिख के और पेपर कंप्लीट कर पाते हैं और उसके लिए आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ती है राइटिंग प्रैक्टिस कंपल्सरीली मतलब इसका कोई सेकेंड ऑप्शन ही नहीं है पर्याय ही नहीं है तो ध्यान रखना है कि एम और आई के अंदर तैयारी करके जानी है अच्छे से कि भाई साहब कॉपी पेस्ट ना करना पड़े अपनी लैंग्वेज में आप उसको लिख सकें एंड हंड्रेड मार्क्स का आपने अटेंड करना है मतलब करना है क्लियर बेटा जी इसके अलावा एम और आई के हंड्रेड परसेंट अपनी बुक्स लेके जाना योद्धा सारथी लेके जाना है मतलब लेके जाना है आईबीसी के अंदर एक ही बुक में युद्धा सारथी आता है मतलब उसका सारथी भी सार्थी तो तो लेके जाना है आई एम टेलिंग यू दिस इज गोइंग टू वर्क लाइक अ गेम चेंजर आप एग्जाम हॉल में जाएंगे अगर आपके पास बुक्स नहीं हो तो आपको एकदम लेफ्ट आउट सा लगेगा कि भाई साहब सबके पास है मेरे पास नहीं है कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी हंड्रेड परसेंट बुक्स लेके जाना है मैं मना ही मैं बाकी सब्जेक्ट्स के लिए खुद गता हूँ कभी नोट्स को स्विच ओवर मत किया करो जिन टीचर से पढ़े उनका लेके जाओ कोई चिंता की बात नहीं है लेकिन एमसीएस आईबीसी के अंदर डोंट टेक एनी रिस्क हंड्रेड परसेंट अपने नोट्स लेके ही क्लियर है तो रिस्क नहीं है तो ये नोट्स बहुत अटमोस्ट केयर के साथ बनाए होते हैं तो ये नोट्स लेकर आपके आसपास कोई भी व्यक्ति है जो वो नोट्स लेके नहीं जा रहा तो उसके हाथ में पकड़ा होगा भाई लेके जा हैप्पी बर्थडे टू यू कंपलसरी नोट्स आपके हाथ में होने चाहिए तो दैट इज ऑल्सो हेल्प यू सबसे बड़ी चीज हंड्रेड मार्क्सप्ट करना है कॉपी पेस्ट नहीं करना है ठीक है तीसरी चीज फर्स्ट जो फोर्टी मार्क्स का क्वेश्चन आता है फर्स्ट फोर्टी मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें केयरफुल रहना है और अटम्प्ट करना है उसके अंदर पीपल एंड अप लूजिंग मार्क्स बहुत सारे बच्चे उसमें मार्क्स लूज करते हैं तो उसके अंदर केयरफुल रहना है अगर एम के अंदर आप फोर्टी मार्क्स में ट्रबल करते हैं तो अपनी एक वर्क बुक है उसको प्रैक्टिस करो वर्कबुक में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके आंसर्स की जगह दे रखी है उसको भरो फिर उनके मॉडल आंसर्स भी मैंने दे रखे हैं ये सब कुछ आपने बनाया मैं अभी एंड में ये भी बताता हूँ कि अपने सारे नोट्स वगैरह कहाँ से मिलेंगे कोई चिंता करने की बात नहीं ठीक है लेकिन कुछ इन चीज़ों का ध्यान रखो सो दैट यू कैन कंफर्टेबली स्कोर अप मार्क्स एन एम सी एस एन आई बी से कुछ बच्चों को ऐसा भी लग रहा होगा कि सर Uh, हमने किया था ऐसा बट फिर भी स्कोर नहीं आया तो डोंट इट्स अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन एट टाइम्स हमें कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती है इसी प्रकार से डबल प्रिपरेशन करो अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान रखा था ना तो इन चीज़ों का डबल ध्यान रखते हुए एग्जाम देकर आना है वापस ठीक है डोंट गेट डिस हार्टन यहाँ मैं स्पेसिफिकली उन बच्चों से बात करता हूँ ज्यादा फ्री फोकस देखे जो बच्चे डिसम्बर दिए हैं नहीं क्लियर हो पाए और जून जो दे रहे हैं

फंडिंग के अंदर ऐसा नहीं है फंडिंग अगर आपने कंटेंट लिखा तो जनरली यू गेट मार्क्स तो सबसे पहली चीज कंटेंट पे काम करो अच्छे से पढ़ो अच्छे से डिटेल में पढ़ो हर एक टॉपिक को ऊपर ऊपर से नहीं डिटेल में पढ़ना है पहली चीज दूसरी चीज आपने कीवर्ड्स यूज करने की कोशिश करनी है जो मैं क्लास में भी फोकस करता हूं आपने की वर्ड्स यूज करने की कोशिश करनी एग्जाम में वॉट आर की वर्ड्स जो अपने मॉड्यूल की लैंग्वेज होती है जो हमारे नोट्स में होती है तो नोट्स की पूरी लैंग्वेज कॉपी पेस्ट नहीं हो सकती है बट जो की वर्ड्स है वो हमें एग्जाम में एज इट इज यूज करने की कोशिश करनी है उससे आपके ओवरऑल मार्क्स काफ़ी बढ़ जाते हैं ठीक है नेक्स्ट चीज़ एक चीज़ तो कॉमन ही है हंड्रेड मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आना है एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट न्यूमेरिकल्स इग्नोर करके नहीं जाना है गधे हो गया

विच वी कैन डू ठीक है तो इन चीजों का ध्यान रखो और मस्ती में आगे बढ़ो नथिंग इन द वर्ल्ड विल बी एबल टू स्टॉप यू नथिंग इन दर्ल्ड विल बी एबल टू स्टॉप यू ठीक है बेटा जी तो आई डोंग एल्स टू से ये सब चीजें आपको कहनी थी आई थिंक कि आपके दिलो दिमाग में कुछ भी अगर सवाल होगा ना तो सब चीज़ें ऐसे शांत हो गई होगी और जो बच्चे ऐसे जिनके दिलो दिमाग में सवाल नहीं था असर हम तो मस्ती से पढ़ रहे थे वो उसी मस्ती से पढ़ो मेरी तरफ से जो जो चीज़ें संभव है अमेंडमेंट्स एंड एवरीथिंग हर वो चीज डबल जोश के साथ पूरे तूफान के साथ आप तक पहुंचेगा ये मेरा हंड्रेड आपको कमिटमेंट है आपने क्या ध्यान रखना है आपने अपनी तरफ से इतनी अच्छी प्रिपरेशन करनी है इतनी अच्छी मेहनत करनी है ना कि कोई ताकत आपको नहीं रोक पाए आपकी मेहनत

डिटेल में पढ़ के जाओ बाय चांस पास नहीं होना है अपन को शॉर्ट शॉर्ट तरीके से पास होना है ठीक है तो अच्छे से प्रिपेयर करो टेक नोट ऑफ थिंग्स एंड भी भी कोई एडिशनल भी चीज अगर मैं लाता रहूंगा तो आई कीप यू पोस्टेड सारे आपको नोट्स कहां से मिलेंगे बता देता हूं देर इज वन टेलीग्राम चैनल शुभम सुक्चा मेंटोरशिप देर इज सेकेंड टेलीग्राम चैनल इंस्पायर अकेडमी ये दोनों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो जो भी अपडेट आता है वो इन दोनों पे आता है ठीक है तो जो भी अपडेट आएगा यहाँ पर आएगा नोट्स कहां से मिलेंगे किसी भी सब्जेक्ट के कोई भी नोट्स चाहिए शुभम सुक्लेचा डॉट कॉम पर जाना है वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा ऊपर फ्री रिसोर्सेज का फ्री रिसोर्सेज में जाना है उसमें आपको इंपॉर्टेंट ड्राइव लिंक मिलेगा एक कॉलम इंपॉर्टेंट ड्राइव लिंक पे क्लिक करो आपको सारे सब्जेक्ट के सारे नोट्स मिल जाएंगे ठीक है शुभम सुक्लेचा डॉट कॉम फ्री रिसोर्सेज फिर एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल सेलेक्ट करो एंड देन इंपॉर्टेंट ड्राइव ड्राइविंग यूल गेट ऑल द पॉसिबल नोट्स अमेंडमेंट नोट सब कुछ मिलता है एक लास्ट चीज यार आप कभी कभी अपेक्षा रखते हैं कि जो मेरी क्लास में लिखी हुई फाइल होती है रिटर्न फाइल वो मिल जाए तो वो अवेलेबल नहीं होती है वहाँ पे आपको ब्लैंक फाइल मिलती है ठीक है ना जो हमारे नोट्स की ब्लैंक फाइल होती है जो मैं क्लास में लिखवाता हूँ वो आपको लिखना होगा वो लिखने का मैं समय भी दूंगा लेक्चर्स के दौरान ठीक है सो आई थिंक विद दिस नोट आई स्टॉप यर पिताजी खूब 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 पढ़ो एंड खूब, खूब 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 आगे बढ़ो मेक मी प्राउड मेक योर पेरेंट्स प्राउड मेक एवरी वन एवरी वन एवरी वन अड आउट प्राउड गॉड ब्लेस यू बाय